लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर बदहाल पड़े लक्सर रुड़की तथा खानपुर दल्ला वाला मार्ग की बदहाली अब शीघ्र दूर हो जाएगी। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि दोनों सड़कों के लिए CRF से 59 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब शीघ्र दोनों सड़कों के निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा। लक्सर में आयोजित प्रेस वार्ता में खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने बताया कि उन्होंने 28 दिसंबर 2017 को रंग महल लंढोरा में मुख्यमंत्री से कहकर लक्सर रुड़की मार्ग के निर्माण की घोषणा कराई थी, जबकि 8 मार्च को लक्सर में CM से कहकर उन्होंने खानपुर दल्ला वाला मार्ग के लिए घोषणा कराई थी। इसके अलावा दोनों मार्ग के निर्माण के लिए उन्होंने नई दिल्ली में परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करी थी। वह लगातार दोनों मार्गों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जनता के आशीर्वाद तथा उनके संघर्ष से केंद्रीय सड़क निधि CRF से लक्सर रुड़की मार्ग के लिए 50 करोड़ तथा खानपुर दल्ला वाला मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हो गया है। विधायक ने बताया कि लक्सर रुड़की मार्ग के लिए 5 करोड़ तथा खानपुर दल्ला वाला मार्ग के लिए 87 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त भी जारी हो चुकी है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। मार्च माह के अंत तक दोनों सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र दुर्भाग्यवश जो रुड़की लक्सर मार्ग है ये क्षेत्र की बिल्कुल मेन है, मेन लाइफ लाइन है, लेकिन गत 2 वर्षों से इतनी इसकी दुर्गति हो गई थी। जबकि 27 दिसंबर 2017 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बुला करके उनका स्वागत किया था लंढोरा रंग महल में अपने निवास पर, वहां मैंने घोषणा करवा दी और मुख्यमंत्री जी ने CRF में इस रोड को भेज दिया था, धनराशि वहां से आ गई थी लेकिन टेंडर नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति दल्लावाला से खानपुर मार्ग की थी जिसकी मुख्यमंत्री घोषणा मैंने 8 मार्च 2019 को गुर्जर सम्राट बीरबल जी की प्रतिमा के अनावरण में माननीय मुख्यमंत्री जी से लक्सर में करवाई थी। मैंने 1 जनवरी 2020 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि महोदय इनकी धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, केंद्र से CRF की रोड्स हैं लेकिन प्रदेश द्वारा इनकी जो है स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा रही, इससे टेंडर नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान लिया और 14 जनवरी को दोनों सड़कों का, रुड़की लक्सर मार्ग का, खानपुर दल्ला वाला मार्ग का शासनादेश जारी हो गया। शासनादेश का नंबर भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी का लेटर मेरे पास आया जवाब में, 17 फरवरी का लेटर है और इसमें 14 जनवरी के दोनों शासनादेश का जिक्र है, दोनों शासनादेश है, दोनों सड़कों के हैं। तो 1 जनवरी को जो मैंने लेटर दिया था मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। 17 फरवरी का लेटर मेरे पास आया है और मैं कल आदरणीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से जाके मैं दिल्ली में मैंने भेंट करी, उनसे मैंने आग्रह किया कि महोदय हमारे यहाँ जो 4 लेन का कार्य चल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 का, उसमें गति नहीं आ रही। रुड़की का बाईपास बनना था जिसकी वजह से इतना ज्यादा जैम रहता है, हमारे यहाँ कौन आएगा? टूरिस्ट स्टेट हम बनाना चाहते हैं, हम पर्यटन राज्य बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को, हमारी इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था सारी टूरिज्म पर बेस्ड है, पर्यटन पर बेस्ड है, लेकिन जब ट्रैफिक जैम रहेगा यहाँ आना कोई पसंद नहीं करेगा। आदरणीय गडकरी ने मुझे विश्वास दिलाया, नितिन गडकरी जी ने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, कि कुंभ से पहले पहले रुड़की बाईपास भी बनेगा, 4 लेन भी आपके हाईवे हो जाएंगे और जो भगवानपुर का बाईपास है जो जा रहा है इधर से वो सीधा कनेक्टिविटी के लिए वो भी बनेगा। और एक छोटा सा काम और था, एक अंडरपास हमारे यहाँ बन रहा है जो भगवानपुर चंदनपुर के ग्रामीणों ने ऑब्जेक्शन दिया था, उसके लिए भी आदरणीय नितिन गडकरी जी ने आदेश कर दिया कि वो अंडरपास नहीं बनेगा। तो जाकर के मैंने कल केंद्र सरकार में अपनी बात रखी, वहां से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने मेरे कहने से दोनों सड़कों की मुख्यमंत्री घोषणा कर दी थी। बात दीगर है कि विलंब हुआ CRF में उनको जाने में, केंद्रीय सड़क निधि से जो फंड आया आचार संहिता हो गई, उनका पालन नहीं हो पाया, नहीं तो 6 महीना पहले ही सड़क बन जाती। अब मार्च के अंत में दोनों मार्ग का काम शुरू हो जाएगा, अप्रैल मई तक दोनों मार्ग कम्प्लीट।